हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। टैप टू उनके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ पे हम जो माइनिंग कर रहे हैं टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, वो सब गाइस टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे यूज़र के साइड से, जैसे कि जो यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो लिस्ट कब होने वाले हैं, क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम सब प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे है कि हमको विड्रॉल कब मिलने वाला है, क्योंकि विड्रॉल मिलेगा तभी तो हम अपने टोकन सेल कर पाएंगे और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये मेनली दो इतने सिंपल से क्वेश्चन हैं जो यूज़र के साइड से पूछे गए हैं। बट यहाँ पे जो आपको आंसर मिलने वाला है वो इतना सिंपल से होने वाला है क्या? तो इन सब के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो इसलिए कंप्लीट ज़रूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो पे अपना एक लाइक ज़रूर करते जाएं। तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट की कंडीशन चेकआउट करो, यहाँ पे पूरा आपको रेड और रेड नज़र आएगा पूरा मार्केट। इसका मेनली रीज़न है आप जितने भी माइनिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट या फिर न्यू प्रोजेक्ट है जिसकी आप माइनिंग कर रहे हो वो अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुए, उसका मेनली रीज़न आपको आज की वीडियो में समझना चाहिए। यहाँ पे आप हैमस्टर की बात करोगे तो यहाँ पे आप सबको पता है स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ लेवल जो थे, आप जो लेवल यहाँ पे चेकआउट करते थे वो यहाँ पे लॉर्ड का लेवल फाइनल था। बट यहाँ पे एक और लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया है क्रिएटर का, जिसके अंदर 18 बिलियन के टोकन आपके होने चाहिए मिनिमम। तो ये क्या है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या फिर आपके पास टाइम बहुत है? तो आप मेरी बात समझने की ट्राई करो। टाइम बहुत है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सबको पता है हैमस्टर कॉम्बैट की जो लिस्टिंग की बात की गई थी वो जुलाई के अंदर की गई थी, जो 10 जुलाई या फिर 18 जुलाई को हो सकती है करके। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ चेकआउट करो, यहाँ पे रोड मैप के अंदर क्लियर दिया है कि जुलाई के अंदर टीजी है, बट अकॉर्डिंग टू मी टीजी है कोई भी प्रोजेक्ट का जुलाई के अंदर होगा ही नहीं। क्योंकि गाइस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप समझ लो बिटकॉइन, इथेरियम, सबकी प्राइस डाउन है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की हालत आप सबको पता है बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हैमस्टर वालों ने भी जुलाई 5 को एक ट्वीट किया था, आई एम ओके, यू आर ओके, वी आर गोइंग टू बी ओके प्रोबेबली, मतलब श्योरली नहीं है, और यहाँ पे एक इमोजी डाला है जो मतलब बोलते हैं ना आंखों से पानी आ रहा है। तो आप एक बात समझ लो, यहाँ पे हैमस्टर जितनी बड़ी कम्युनिटी जो लेके बैठे हुए उनको भी इस क्रिप्टो मार्केट से जब डाउनफॉल चल रहा है तभी फ़र्क गिरता है, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है तो फ़र्क गिर रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जुलाई के अंदर लॉन्च हो जाएंगे इतने सारे माइनिंग प्रोजेक्ट? तो सब के सब 1 से 2 महीने तक डिले हो सकते हैं। तो मेन रीज़न आप ये समझ लो कि क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब भी क्रैश वगैरह होता है तब क्या है, मार्केट से पैसा निकलता है, ना कि न्यू इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या रहता है, मार्केट के अंदर जब पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा, जब बिटकॉइन पंप नहीं करेगा, 70,000 से ऊपर फिर से नहीं जाएगा, तब तक मार्केट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हिम्मत करके नहीं जुटा पाएगा कि हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें मार्केट के अंदर और इनिशियली टीजीए के टाइम पे बेनिफिट ले पाएँ। तो आप हैमस्टर की आप क्लियर बात समझ लो, यहाँ पे एक और न्यू लेवल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया, वही रीज़न है। तो रीज़न सिंपल है गाइस, यहाँ पे आप जब तक लेवल इंक्रीज करते जाओगे आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो समझ लो जो लिस्टिंग है वो भी डिले होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे हैमस्टर जितनी बड़ी जो कम्युनिटी बिल्ड करके रखा है, बैकिंग बहुत अच्छी है, वो भी अगर डिले कर रहा है तो आपको समझना चाहिए जितने प्रोजेक्ट इसके बाद बने हुए, जैसे टैप्स प्रो, पिक्सल वर्स रो, उसमें भी ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जुलाई के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, ना ही लिस्ट होने वाला है कोई भी मार्केट प्लेस के अंदर। सेकेंड जो पॉपुलर माइनिंग है आप सबको पता है हैमस्टर से भी ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था सबसे पहले, जो है टैप स्वैप। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डाउट आने लगे इसके ऊपर, बट फाइनली कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई और यहाँ पे सब लोग अभी टैप स्वैप की माइनिंग कर रहे हैं और टॉन भी इनको सपोर्ट कर रहा है, टॉन की ब्लॉकचेन भी, ठीक है? अभी यहाँ पे इन्होंने भी क्या इंट्रोड्यूस किया है टास्क सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको कॉम्बो कार्ड्स इन्होंने, सॉरी गाइस, कॉम्बो कोड्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको वीडियो इनकी जो यूट्यूब की है पूरी देख के यहाँ पे कॉम्बो कोड्स पेस्ट करने पड़ते हैं। और इन्होंने ये क्यों नया लिखे हैं, क्योंकि सिंपल सा है, ये भी गाइस डिले करने वाले हैं। यहाँ पे आप सबको अगर टाइम दे रहे हैं माइनिंग के लिए, ज़्यादा अर्निंग के लिए, तो ये समझ लो आप इनके सब के जितने प्रोजेक्ट है टैप टू उनके सब डिले होंगे। आप समझ सकते हो अगस्त तक या फिर सितंबर तक ये सब लिस्ट होगा, उससे पहले लिस्ट नहीं हो सकता है।
और उसके साथ यहाँ पे जो बेबी डोज आप सबको पता है उनका खुद का मीम कॉइन है, ये भी गाइस अपना टैप टू उनका प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो भी 7 डेज के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तो लेके आ रहे हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है भाई। यहाँ पे आप एक एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट के कम्युनिटी आप चेकआउट करोगे तो वो सब 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन जैसे हलवे जैसे इजीली बन जाती है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल टैप करके अर्निंग करना है। तो इस वजह से क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट से बड़े वो भी टैप टू अर्न के प्रोजेक्ट तो लेके आ रहे हैं बट लिस्ट के बारे में, लॉन्च के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने भी बताया है कि सब अपना प्रोजेक्ट डिले करेंगे। मार्केट की हालत बहुत अच्छी खासी नहीं है, यहाँ पे जितने रहते हैं जैसे कॉम्बो कोड, साइफर कोड, पिक्सल वर्स का कॉम्बो कोड, ये सब या फिर टैप स्वैप का जो कोड्स रहते हैं, वीडियो देख के आपको कोड डालने पड़ते हैं डेली, वो सब मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इन सब के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जाके ये सब ट्राई करते रहो, क्योंकि यहाँ से आपको इनिशियली अच्छे खासे टोकन मिलते रहेंगे या फिर पॉइंट्स मिलेंगे जो इनके लिस्टिंग या टीजे के टाइम पे कन्वर्ट होने वाले हैं इनके टोकन के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि मार्केट की हालत भी बहुत अच्छी खासी फिलहाल में नहीं चल रही, बहुत नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। तो गाइस मार्केट के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं जैसे टैप स्वैप रो, हेमस्टर कॉम्बेट रो, पिक्सल वर्स रो, मीमीफाई रो, डब्ल्यू कॉइन रो, ये सब लिस्ट होंगे नहीं, 1 to 2 months ये एक्सटेंड करेंगे, डिले करेंगे, लिस्टिंग आगे डाल देंगे जैसे बॉन्डेक्स वालों ने डाली है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो पहले 70,000 के लेवल के आसपास था, वो अभी 56,000-57,000 तक चल रहा है। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि सब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें, नहीं, जब तक 70,000 ऊपर से नहीं जाएगा तब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। तो आपको यही बताना था मेन कि कोई भी प्रोजेक्ट इतना जल्दी अभी लॉन्च नहीं होगा, सब 1 से 2 महीना डिले होकर लॉन्च होगी जब तक बिटकॉइन फिर से $70,000 से ऊपर नहीं जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपको अभी क्या फ़ायदा है, आपको अभी जितने भी माइनिंग के लिए टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आप अपने ज़्यादा टोकन अभी बना पाओगे जितने भी माइनिंग है, क्योंकि आपको 1 से 2 महीना एक्स्ट्रा अभी मिल सकता है, ठीक है, अगर मार्केट की कंडीशन ऐसे ही डाउन होती रही। तो बस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र के सवाल थे कब लिस्टिंग होगा, कब लॉन्च होगा, कब हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको 1 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप अगर क्रिप्टो में न्यू हो तो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं, आप अगर ओल्ड हो तो आपको ये सब चीज़ें पता है कि क्रिप्टो के अंदर जब भी पॉजिटिवनेस रहती है तभी जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनको भी बेनिफिट होता है और यूज़र्स को भी होता है। तो बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिया बस सेफ इन्वेस्टमेंट, और हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर आपको सबसे अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। टेक केयर एंड बाय, लव यू।